हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वदेशी फॉर्म में। आज हम लोग आए हैं सुभान भाई के फॉर्म पे, जो कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि इनका बर्ड सेल हुआ था। उसके बाद से फॉर्म खाली था 10 दिन, सफाई वफाई करके 1 तारीख का हैच और 2 तारीख को बच्चा इनको नया डाला गया है। आइए सुभान भाई से जानें कि अभी नया बच्चा आने के बाद से कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं और कितना बच्चा डाले हैं, नया आगे का सेलिंग का इनका प्लानिंग क्या रहेगा, आइए समझा जाए। स्वागत है सुभान भाई आपका हमारे चैनल स्वदेशी फार्म में। नमस्कार सर। नमस्कार सुभान भाई, नया लॉट डाल दिए बच्चे का? जी सर। कितने का लॉट डाले हैं सर? ये 5000 का लॉट है। 5000 का लॉट डाले हैं। और ब्रूडिंग पूरा एक ही फार्म में कर रहे हैं कि दोनों फार्म में कर रहे हैं? नहीं, दो पार्ट में, एक ही फार्म में दो पार्ट में कर रहे हैं। तो सर सुने, यहाँ पे लाइट नहीं है, टेम्परेचर कैसे मेंटेन कर रहे हैं यहाँ का? ब्रूडिंग चल रहा है। अच्छा, बुखारी लगाए हुए हैं दोनों में, बुखारी भर के। बुखारी में क्या कुन्नी भरते हैं सर? जी हाँ, कुन्नी लकड़ी का बुरा था। अच्छा अच्छा। और बच्चा आने से पहले सर फॉर्म में फार्मर भाई को बताएं कि क्या तैयारी करनी चाहिए? बच्चा आने से पहले फार्म की साफ सफाई अत्यंत जरूरी है जी। और चूना मार के उसको साफ सफाई, और फिर नीचे हम लोग कुन्नी बिछाए, उसके ऊपर पेपर। अच्छा, यही सब मेन है। अच्छा, तो पेपर के नीचे कुन्नी बिछती है और कुन्नी के ऊपर पेपर डाला जाता है जी। तो अभी तक सुभान भाई कितनी मोर्टेलिटी हुई है हम लोगों की? 2 दिन हो गया बच्चे को आए हुए। 2 दिन में 50-60 पीस के समथिंग उतना तो जाएगा ही जाएगा, स्ट्रेस भी खाया हुआ होता है बच्चा। तो बच्चा का साइज ग्रोथ सब बढ़िया है सर? बेहतर जी। और इसके बाद हम लोग का इसका प्लानिंग क्या होगा? इस बर्ड को हम लोग कितने साइज तक लेके चलेंगे? अभी का तो प्लानिंग अपना है 31 तक आने का। अच्छा, 1 जनवरी का सेल रहेगा? 1 जनवरी का। चलिए बहुत बढ़िया है सर। और इस बार हम लोगों ने पिछली बार से बच्चा भी 3500 डाले थे, इस बार 5000 डाले हैं। इस बार मेरा लॉट 5000 का है। 5000 का लॉट है और 1 जनवरी का सेल रहेगा जी। नहीं, बहुत बढ़िया है। और इसको अभी दाना में क्या चल रहा है? दाना में ये देखिए, ये दाना है। अच्छा, क्रॉयलर फीड। पहले दिन से ही आप क्रॉयलर फीड खिलाते हैं इसको? हम पहले दिन से ही यही क्रॉयलर फीड चले, सेल आउट तक हम यही चलाते हैं, शुरू से आखिर तक यही खिलाते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया है सर। तो फ्रेंड्स, आज राइट में हमारा चिक्स आया था, जो कि आप देख रहे हैं ब्रूडिंग की तैयारी हो रही है यहाँ पे। चिक्स नाइट में आने के कारण हम लोग ठीक से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए। यहाँ पे ब्रूडिंग का पूरा मैनेजमेंट भी नहीं हुआ था, तो उस मैनेजमेंट को करते करते थोड़ा ज़्यादा रात हो गई हम लोगों को। ये सारा चिक्स आपके सामने है। यहाँ पे 5000 चिक्स हमारा उतरा था, ये पैक है। एक डब्बे में 60 चिक्स हैं बंगाल से। इसी तरह से टोकरी में चिक्स आता है। बुखारी का सेटअप लगाया जा रहा है हीट मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे रात में लाइट भी नहीं थी, जनरेटर जलाया गया था। ये एक भाई हमारे बाइक से 6 टोकरी यानी 400 चिक्स लेके गए थे हमारे पास से, और भी लोग यहाँ से चिक्स लेके गए थे। एक ही पॉइंट से सबको डिलीवर किया गया था, बाकी यहाँ पे उतरा था। ये देख रहे हैं गाड़ी जिसमें चिक्स आया था हम लोगों का आपके सामने। तो ये थे सुभान भाई, जिनके फॉर्म पर हम लोग आए थे। इनके पास 5000 चिक्स का लॉट डाला हुआ है। आप पीछे में देख रहे होंगे वीडियो, जिसमें कि हमारा चिक्स का जो गाड़ी आया था वो रात में पहुंचा था। रात में पहुंचने के कारण बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं, रात में रिकॉर्डिंग बहुत अच्छा आता नहीं है, क्लियरिटी दिखती नहीं है। तो एक छोटा सा क्लिप बनाया गया, जिससे आपको लगे कि हाँ भाई किस तरह से बच्चा हम लोग का आया था, कितने लोग लेके गए यहाँ से। एक छोटा सा क्लिप हम लोग उसका भी बनाए हैं। इसके बाद ये जो है 1 जनवरी का लॉट यहाँ पर डला हुआ है। हम लोग का चिक्स जो आया था वो बिहार मैं औरंगाबाद सासाराम डिलीवरी किया था। इसके बाद यहाँ बनारस में 2-3 लोग आए हुए थे, ये फॉर्म से ही लेके गए थे, यहाँ पे डिलीवर हुआ। और चिक्स का क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हैं कैसा है। आप लोग अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें, शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।